भगवान शिव का प्रिय मास आज 22 जुलाई से शुरू हो गया है। सावन में देवों के देव महादेव की पूजा करने का विधान है। जो व्यक्ति इस समय भगवान शंकर की पूजा करता है उसे मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। सावन माह में इस बार कई शुभ संयोग बन रहे हैं, साथ ही इस दिन प्रीति योग, आयुष्मान योग, सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे बड़े बड़े योग बन रहे हैं। ज्योतिष आचार्य पंडित पंकज पाठक ने बताया है कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन में चतुर्मास होता है। इसी दौरान पूरी सृष्टि का संचालन देवों के देव महादेव करते हैं। आइए राशि अनुसार भगवान शिव की कृपा पाने के लिए राशि अनुसार दान करें। इस बार सावन का जो महीना है कुछ अद्भुत योग के साथ आ रहा है और इन अद्भुत योगों में देवादिदेव महादेव भगवान शिव शंकर का यदि हम शिवार्चन करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का जो महामंत्र है ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं तो हमारे जीवन में नवग्रहों के द्वारा जनित जितनी भी बाधाएं हैं सब बाधाएं दूर होंगी और शुभ फल की हमको प्राप्ति होगी। और इसके साथ ही साथ 12 राशि के जो जातक हैं उनको अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का श्रावण के महीने में दान करना चाहिए। उनकी राशि राशि के स्वामी अनुसार वर्तमान में जो गोचर ग्रह कर रहे हैं उनके अनुसार हम इन 12 राशि के जातकों के लिए अलग अलग दान सामग्री बताते हैं। यदि ये 12 राशि के जातक इन दान सामग्री को ब्राह्मणों को दान करते हैं, भगवान शिव के मंदिर में समर्पित करते हैं तो निश्चित ही नवग्रह जनित जिससे भी दोष बाधा संकट है वो सबका निवारण होगा और सुख शांति की प्राप्ति होगी। मेष राशि के जातकों को शहद, गुड़ और लाल वस्त्र का दान करना चाहिए। वृष राशि के जातकों को शुद्ध घी का, सफेद वस्त्र का, रुई का, दही का, कपूर का दान करना चाहिए। मिथुन राशि के जो जातक हैं उनको जो मौसमी फल आते हैं मौसम के अनुसार जो फल वर्तमान में आ रहे हैं उन फलों का दान करना चाहिए। इसके साथ ही साथ गौ माता को हरा चारा या भूसा इत्यादि उनको देना चाहिए। कर्क राशि के जातकों को दूध, दही, मोती, चावल, शक्कर, कपूर इत्यादि का दान करना चाहिए। सिंह राशि के जो जातक हैं इनको गुड़, शहद, गेहूं, मसूर इनका दान करना चाहिए। कन्या राशि के जातकों को कांसे के बर्तन का दान करना चाहिए या हरे फल का दान करना चाहिए। तुला राशि के जो जातक हैं इनको दूध, चावल और शक्कर का दान करना चाहिए। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं इनको गुड़ और मसूर की दाल का दान करना चाहिए। धनु राशि के जो जातक हैं इनको चने की दाल और केसर जो है केसर और चंदन का दान करना चाहिए। मकर राशि के जातकों को कंबल, जूते और छाते का दान करना चाहिए। जो कुंभ राशि के जातक हैं इनको काले वस्त्र, उड़द और काले तिल का दान करना चाहिए। मीन राशि के जातकों को शहद का दान करना चाहिए, चने की दाल का दान करना चाहिए और कापी, पुस्तक, पेन इत्यादि जो पठन पाठन सामग्री है इनका दान करना चाहिए। तो ये 12 राशि के जातकों के लिए अलग अलग दान सामग्री हमने बताई है। यदि ये 12 राशि के जातक अपनी राशि अनुसार इन सामग्रियों को दान करते हैं तो उनके जितने भी अरिष्ट ग्रह हैं, दोष बाधा संकट देने वाले जो ग्रह हैं, उन ग्रहों का निवारण होगा और उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि दीर्घायु स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होगी।